इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने साथ जुड़ने का मौका दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने साथ जुड़ने का मौका दे रहा है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहाफ पे आप बैंकिंग सर्विसेज आप डिलीवर कर सकते हैं। जैसे पैसे आप किसी को दे सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहाफ पे आप जो है इसमें ढेर सारा सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, पैसे निकालना, पैसे जमा करना, आपको ढेर सारा सर्विसेज आपको इसमें मिल जाता है। सुगाज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं जो पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इस बेल के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जोड़ने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करना नहीं है, ये आपके लिए सबसे खुशखबरी वाली बात है। तो इसमें कौन से आदमी अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हो गया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, पब्लिक कॉल ऑफिस मतलब पीसीओ वाले, इसके बाद हो गया आप किराना स्टोर, मेडिकल वाले, इसके बाद जो है हायर प्लेस वाले, इसके बाद जो है आपको हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज वाले, इसके बाद जो है पेट्रोल पंप वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद हो गया कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आपको इतने सारे जो है एम्प्लॉयर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसको आपको जो है कहाँ जाकर जमा करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप जो है यही काम जो है दुकान वाले के पास जाइए करवाने के लिए तो आपको सिर्फ फॉर्म निकाल के दे देगा और वो आपको जो है 30-40 रुपया ले लेगा, क्योंकि जो है आपको दुकान वाले भी आपको फॉर्म को जो है क्या करेगा कि ऑनलाइन नहीं भरेगा, ये जो है ऑफलाइन जो है अभी हो रहा है, तो आपको जो है फॉर्म निकाल के दे देगा और 30-40 रुपया ले लेगा। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीका से आप कीजिएगा, तो फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके है दुकान वाले के पास से आप 10 रुपया में निकाल के आपको जो है अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और आपको जो है साइन मोहर करना है, फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है और कहाँ जाके जमा करना है, मैं वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब आपको अपने साथ जुड़ने का मौका दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जी हाँ, अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आप जुड़ सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहाफ पे आप जो है बैंकिंग सर्विसेज आप डिलीवर कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जुड़कर आप कस्टमर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैसे मंगा सकते हैं, पैसे यहाँ से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, इस तरीके के आप ढेर सारा सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं और इसके साथ ही आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको इसमें एक भी रुपया आपको इसमें पे नहीं करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कि रिटायर बैंक एम्प्लॉयर, रिटायर टीचर, रिटायर जो है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एक्स सर्विसेज, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पब्लिक कॉल ऑफिस वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप जो है किराना स्टोर वाले, मेडिकल स्टोर वाले, फायर प्राइस और शॉप वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप स्मॉल सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय, इंश्योरेंस कंपनीज वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पेट्रोल पम्प वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर CSC वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ब्राउसिंग सेंटर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो है इतने जो है ये सभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्लिक हियर, यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये फॉर्म जो है ओपन हो के आ जाता है। ये फॉर्म को आप एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा और आपको जो है इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको है प्रिंट आउट निकाल के इसको जो है आपको इंग्लिश में फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको नाम भरना है वो इंग्लिश में भरना है और जितने जो कॉलम दिए हुए हैं वो सारे कॉलम भरना है। इसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, यहाँ पे एड्रेस देंगे, यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पे स्टेट डालेंगे। इसके बाद अगर आपके कोई पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे अपना दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म 60 यहाँ पे नीचे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे फॉर्म 60 यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर 60, तो ये आपको फिलअप करना है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना जो है ईमेल आईडी डालेंगे और ये जो आप देख रहे हैं खंधे खंधे बने हुए हैं तो इसमें आपको आराम से भरना है, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पे अपना लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। तो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे अपना प्लेस का नाम डालेंगे, जहाँ से भी है तो यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ फाइंड वाले पे क्लिक करेंगे। फाइंड करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आपका जो है यहाँ पे लेटिट्यूड और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आ चुका है। यहाँ पे जो कर्सर है आपका जहाँ भी स्वैप हो रहा है तो इस तरीका से आपको कर्सर के इस तरीके से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो आपका प्लेस जैसे जहाँ भी हो इस तरीके से आप जो मिनिमाइज करेंगे या आप मिनिमाइज करने के बाद इसका बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकते हैं और जहाँ भी इस तरीके से एक बार आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो कर्सर आ जाएगा और इस तरीके से आपका जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो भी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है आपको इसमें जो है आपको फिलअप कर देना है, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना, फादर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे जो है आप अपना मदर का नाम यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे आपको जो डालना है डेट मंथ और ईयर, यहाँ पे जो है आप जेंडर चूज कर लेंगे मेल फीमेल। इसके बाद यहाँ नेशनलिटी डालेंगे कि आपको का कौन सा कंट्री है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ डालना है कि आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ डालना है जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, तो जो भी डालना है आपको इस तरीके से आपको टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो है आपको जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे अपना बैंक ब्रांच का नाम डालेंगे जो भी ब्रांच का है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है इसमें आपको अच्छी तरीके से, और यहाँ पे अकाउंट टाइप आपको किस तरीके से कौन सा अकाउंट है, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो जो भी है आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो है आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे डेट डालना है जहाँ कौन सा डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेस मतलब कौन सा जगह है वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो है टिक कर लेना है कि अपना जो है आईडी डॉक्यूमेंट में आप कौन कौन चीज़ सब आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ सीधे ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप न्यू वाले पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट सारी फ़ोटो को इसमें जो है आपको चिपका देना है मतलब लगा देना है। और यहाँ पे नीचे से ऊपर तक आपको जो है सिग्नेचर करना है, आधा जो आपको नीचे और आधा जो फोटो पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको ये फॉर्म को जमा करना होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। तो आपके अगल बगल में कहाँ पे है उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर ब्रांचेस, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके अगल बगल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे नीचे इसमें शो कर देगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो है आपको अपना स्टेट चूज करने के बाद, जैसे देखिए यहाँ पर जो आपके स्टेट में 38 ब्रांच है तो इसमें से आपके अगल बगल में मगर घर के अगल बगल में कौन सा ब्रांच है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आपके अगल बगल में कहाँ पे है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच वो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं होता है तो आप जो है कंट्रोल प्लस F डालेंगे और यहाँ पे अपने जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला तो यहाँ पे देखिए ये जो है हाईलाइट होके आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो ब्रांच है, तो क्या करना है आपको इस एड्रेस पे जो है आपको जो भी फॉर्म जो आप फिलअप किए हैं ये फॉर्म आपको इसी एड्रेस पे जाके आपको अपना फॉर्म को जमा करना है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो है आप ब्रांच आ गया है और इसकी जो है ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ गया है। आपको जो है इस फॉर्म के साथ जो है अपनी आईडी और एड्रेस प्रूफ को लगा के आपको जो है इसी जो है आपको एड्रेस पे जाके
जमा कर देनी है। इसके बाद जो है आपको अप्रूवल मिलने पर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और आप जो है अच्छी खासी आप जो है इनकम मतलब अर्निंग मतलब कमाई भी कर सकते हैं। और आपको जो है इसमें हर एक सर्विस पे आपको कमीशन मिलता है। सो इस तरीके से गाइस जो है आप बहुत ही इजी तरीके से ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके बाद जो है आप अपने ब्रांच को इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपके अगल बगल में कौन कहाँ ब्रांच है। इसके बाद वो एड्रेस पे जाएंगे, अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद जाके आपको इस एड्रेस पे जाके आपको जमा कर देना है। अप्रूवल मिलने पर जो है आप जो है इस सर्विसेज का आप जो लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके कैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे और आपको जो है कहां पे जाके जमा करना है वो सब आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।